हेलो फ्रेंड्स, मैं सब तालिब एंड वेलकम टू माय चैनल टेक बाइट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैकग्राउंड को कैसे रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, मेरे पीछे इस टाइम ब्लैक बैकग्राउंड है। अगर हमें इसे ब्लैक बैकग्राउंड को व्हाइट करना हो या फिर इसी तरह कोई वीडियो लगानी हो तो वो हम कैसे लगाएंगे, तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि अगर आप अपने बैकग्राउंड में ब्लैक कर्टन यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपका बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा। अगर व्हाइट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो व्हाइट हो जाएगा। बैकग्राउंड रिमूव करने का एक तरीका और है, वो है ग्रीन स्क्रीन। ग्रीन स्क्रीन के यूज से आप किसी भी बैकग्राउंड को, कैसे भी बैकग्राउंड को आसानी से हटा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हम कैसे ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करके अपना फेवरेट कलर या फेवरेट पिक्चर या वीडियो कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक ग्रीन पर्दे की जरूरत पड़ेगी, जैसा जो आप अपने बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। ग्रीन पर्दे की या ग्रीन बैकग्राउंड की सबसे खास बात यह है कि इसको बहुत ही आसानी से रिमूव किया जा सकता है। बहुत सी जगह पर ब्लू कलर भी यूज किया जाता है, बट ग्रीन कलर जो है आइडियल कलर है किसी भी बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए। 90% जो मूवीज होती हैं उनके 90% जो सीन्स होते हैं वो ग्रीन स्क्रीन का यूज करके ही होते हैं, क्योंकि इसको बहुत आसानी से रिमूव करके आप पीछे कोई भी अपना फेवरेट या कोई भी अपना अच्छा बैकग्राउंड लगा सकते हैं। आपको एक बात को और जरूर ध्यान देना पड़ेगा कि जो लाइटिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप जो सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट पर और बैकग्राउंड दोनों पर बहुत ही अच्छी लाइटिंग आनी चाहिए, तभी आपकी जो वीडियो या आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स का यूज करेंगे हम, क्योंकि अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स बेस्ट है किसी भी बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स को खोल लेते हैं। यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं, जो भी आपको चाहे। जैसे मैंने टेस्ट दे रखा है तो आपका ये आ जाता है वर्क एरिया। अब अपनी वीडियो को हम प्रोजेक्ट पैनल में या प्रोजेक्ट में ड्रैग कर लेते हैं। तो ये आप ड्रैग करके प्रोजेक्ट में आके ड्रॉप कर दीजिए, और जब तक ये वीडियो इम्पोर्ट हो रही है। इम्पोर्ट होने के बाद आप अपनी वीडियो को सेलेक्ट कीजिए और टाइमलाइन में जाकर ड्रॉप कर दीजिए। तो आपकी कॉम्पोजिशन में आपकी वीडियो खुल गई है। तो अब हमें मास्किंग करनी है। मास्किंग करने के लिए ऊपर से पेन टूल को सेलेक्ट कीजिए और ग्रीन एरिया के चारों कॉर्नर्स पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका बैकग्राउंड ब्लैक हो चुका है ग्रीन स्क्रीन को छोड़ के। अब हमें ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना है, तो ऊपर से इफेक्ट्स में जाकर कीइंग पे जाकर की लाइट को सेलेक्ट कीजिए। अब हमें स्क्रीन कलर के सामने ब्रश को सेलेक्ट करना है और वहाँ पर ड्रॉप करना है जौन सा कलर आप रिमूव करना चाहते हैं। तो जैसे हमने ग्रीन पर ड्रॉप किया तो आप देख सकते हैं कि वो पूरा ब्लैक हो गया। अब 90% अब हमारा काम हो चुका है, अब हमें थोड़ी फिनिशिंग देनी है। फाइनल रिजल्ट्स पे जाइए और फाइनल रिजल्ट पे जाकर स्क्रीन मैट सेलेक्ट कीजिए। स्क्रीन मैट सेलेक्ट करने के बाद तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट व्हाइट कलर का हो गया है। अब हमें बैकग्राउंड से व्हाइट शेडो को रिमूव करना है। तो अब आप स्क्रीन मैट सेलेक्ट कीजिए और स्क्रीन मैट सेलेक्ट करने के बाद क्लिप बैक को बढ़ा दीजिए और क्लिप वाइट को थोड़ा सा कम कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि आपकी इमेज परफेक्ट लग रही है ब्लैक एंड व्हाइट में। तो अब आप वापस जाके इसे फाइनल रिजल्ट्स पे सेलेक्ट कीजिए और आपकी इमेज परफेक्ट है। इसमें बस थोड़ी सी फिनिशिंग और देनी है, जैसे कि इसमें से थोड़ा सा आप स्क्रीन श्रिंक और ग्रो में आप जाके थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, जैसा कि आपको ठीक लगे। थोड़ा सा बढ़ाने के बाद आपकी इमेज या आपकी वीडियो जो एडिट करनी थी वो एकदम परफेक्ट हो चुकी है। अब हमें एक वाइट बैकग्राउंड डालना है, तो आपके जिस भी फोल्डर में प्लेन वाइट बैकग्राउंड हो तो वहाँ से ढूंढ के, वहाँ से सेलेक्ट करके उसे ड्रैग करके प्रोजेक्ट एरिया में ले आइए। अब प्रोजेक्ट एरिया में लाने के बाद आप उस बैकग्राउंड को टाइमलाइन में ड्रैग कीजिए, और टाइमलाइन में ड्रैग करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपकी कॉम्पोजिशन एरिया में वो वाइट बैकग्राउंड आ गया है। और उसके कॉर्नर को सेलेक्ट करके आप उसे बड़ा कर दीजिए, और बड़ा करने के बाद आपका एक वाइट बैकग्राउंड बन चुका है। अब फाइल मैनेजर में जाके इसे एक्सपोर्ट कर लीजिए। एक्सपोर्ट पे क्लिक करके रेंडर क्यू पे सेलेक्ट कर लीजिए और जाके इसका फाइल का जो भी फॉर्मेट है वो सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये था जिस तरह से आप अपने बैकग्राउंड को रिमूव करके, अपने ग्रीन बैकग्राउंड को रिमूव करके कैसे अपना मनचाहा इमेज या मनचाहा कलर या मनचाहा वीडियो लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।
अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कुछ भी और पूछना है, किसी और चीज़ का ट्यूटोरियल चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट संडे।